हेलो फ्रेंड्स, थ्री एस किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं मावे का गुलाब जामुन बना रही हूँ, जो कि बिल्कुल हलवाई की जैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम शुगर सिरप तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें एक बर्तन में एक कप शक्कर लेना है और एक कप पानी लेना है। और यहाँ पर मैंने 3 हरी इलायची लिया है, जिसे इस तरह से बीच में से तोड़ लिया है। ये ऐड कर देंगे और इसे 10 मिनट पकाएंगे। जब तक शुगर सिरप रेडी होता है, हम गुलाब जामुन के लिए डो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक बाउल में इस तरह से मावे को ग्रेट कर लेंगे। मावे को इस तरह से ग्रेट करने से डो हमारा बहुत अच्छा एकदम सॉफ्ट डो तैयार होगा। तो यहाँ पर ये रेडी हो गया है। और इसमें हम हाफ कप मैदा ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। और अब इन सबको हम मिलाकर अच्छे से मिक्स करेंगे पहले, और फिर एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। हमें पानी नहीं ऐड करना है। डो हमारा रेडी हो चुका है। तो अब हम देखते हैं, शुगर सिरप भी हो चुका है तो हम इसे उतार लेते हैं और तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। जब तक के तेल गरम होगा, उस टाइम में हम गुलाब जामुन बना लेंगे। तो हमें जो डो तैयार किया, उसमें से छोटे छोटे बॉल बनाएंगे इस तरह से। सारे बॉल हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ तेल भी गर्म हो गया है। गर्म तेल में हम इसे सावधानी से डालें और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के फ्राई करें। आप अपनी पसंद के मुताबिक डार्क करें या लाइट कलर रखें, इसका आपकी च्वाइस है ये। तो ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। इसे डायरेक्ट हम शुगर सिरप में डाल देंगे। शुगर सिरप ठंडा नहीं होना चाहिए, गर्म ही रहना चाहिए। वैसे ही गर्म गर्म शुगर सिरप में हम इसे डालते जाएंगे। तो देखा आपने कितनी जल्दी तैयार हो गया है और बहुत टेस्टी भी है। इसे हम 2 से 3 घंटा इसी तरह से शुगर सिरप में ही रहने देंगे, उसके बाद इसे हम सर्व करेंगे।